हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो आज नवमी है और काफ़ी दिनों से मैं बोल रही थी ना, हम लोग गए नहीं परी को दिखाना है, तो आज फिर फाइनल जा ही रहे। हाना हाना चल रहा था, फिर परी सुबह से पीछे लगी, उसको भेजा और मुझे नहीं, तो मैंने कहा चलो परी के लिए चले जाते हैं। फिर अभी बीच में मूड और ऑफ हो गया था, नहीं जाना फिर और टाइम पर, नहीं तो हम लोग 6 बजे निकलने वाले थे, अभी बज चुके 7:30। सब जाके आ गए हैं और हम नहीं गए हैं, और मुझे कुछ पता नहीं यहाँ का, नहीं तो मैं भी किसी के भरोसे नहीं रहती, मतलब बच्चों को लेके निकल जाती। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर उनके साथ ही निकलेंगे। और हमारा बेटा जो है उनको तो कुछ पता नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ ही मस्त जाता है, घूमता रहता है। हाँ, उसको नहीं दिखाती हूँ, वो कभी हमें को घुमाता नहीं, तो परी बोल रही थी चलना है, हर साल जाते, इसी साल हम लोग नहीं गए, तो ठीक है बाद में मिलते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे क्योंकि काफ़ी दिनों के, मतलब बच्ची सब चले गए थे, ये नवमी का दिन था तो मन नहीं था। फिर भी परी गुस्सा हो गई थी, मतलब चुपचाप थी, तो मैंने कहा चलो परी के लिए तो जाना ही पड़ा, तो इसलिए फिर एक अचानक हम लोग तैयार हो गए, फिर हम लोग आ गए। तो हम लोग एक ही झाके देखी, उसके बाद हम घर चले गए क्योंकि बिल्कुल मूड नहीं था कि ज़्यादा घूमने के लिए। तो ये देखो, ये हम लोग यहाँ पर है ना, हम सबसे पहले यही आते हैं, हर साल जाते हैं ना, मुझे यहाँ की झाके बहुत अच्छी लगती है। विट्ठल मार्केट है जो भोपाल क्यों जानते हैं, यहाँ है ना कोल्हापुर की महालक्ष्मी का ये हुआ, मतलब ये क्या बोलते हैं, मंदिर बनाया गया था यहाँ पे, वो झांकी तैयार की गई थी। तो यहाँ पे हम लोग है ना आके, फिर पहले तो हमें लगा ऐसी लाइन वाली ही होगी, लेकिन जब अंदर गए ना इतना अच्छा लगा, मतलब यही बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम लगा था, लाइन भी ज़्यादा लंबी नहीं थी इस बार, क्योंकि हम नवमी के दिन गए। फिर हम लोग यहाँ से है ना डायरेक्ट सोच रहे थे कि और कई जगह पे जाओ, लेकिन मूड ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग घर जाने लगे तो रास्ते में भंडारा भी मिला, इस जगह जगह पर भंडारा था, फिर इन्होंने वहाँ पर भंडारा भी कर लिया था। हम लोगों ने तो विट्ठल मार्केट में ही खा लिया था थोड़ा सा, जहाँ यहाँ पे जहाँ हो रहा था। देखिए महालक्ष्मी कितनी सुंदर, कोल्हापुर की महालक्ष्मी स्थापित की थी यहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था मेला भी। फिर यहाँ से हम लोग फिर घर चले गए, घर जाने मतलब घर ने गए 2-3 जगह ऐसे खुली झाकियाँ देख ली, जहाँ खुली ओपन झाकियाँ थी, और 10-10:30 बजे तक हम घर आ गए थे। ये हम परी के लिए आ गए थे, मेरा तो मूड बिल्कुल नहीं था क्योंकि सब रहते, और ये इनको पहले बोली चलो तो नहीं है, अपन साथ में जाएंगे ऐसा वैसा ये बोलने लगे। हम अभी ये दूसरों के भरोसे बैठते हैं ना, फिर पता चला कि सब जाके आ गए, तब जाके इन्होंने बोला कि चलो अपन भी जाते हैं, ऐसा कुछ हो गया था। तो ऐसा हो, फिर हम लोग आ गए, फिर दशहरे के दिन भी नहीं गए थे तो अच्छा लगा, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो गया था, बच्चों को भी इंजॉय करा दिया। तो मैं है ना हर साल जाती हूँ, 2-3 दिन तक तो जाती हूँ, क्योंकि भोपाल में एक ही दिन घूमने का ये नहीं रहता है, बहुत सी जगह जाना पड़ता है। और डिंकी तो गई थी अभिव्यक्ति गरबा, क्योंकि वो उसके फ्रेंड के साथ गई थी, परी कहीं नहीं गई थी इसलिए हम परी को लेके गए थे। तो इस तरह के विष्णु जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, पूरा परिवार, और इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। फिर आप बच्चों ने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर हम चले गए, और ठंड भी चालू हो गई थी इसलिए हमें ना 10-10:30 बजे तक चले गए थे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इनको ठंड लग रही थी, इन्होंने जैकेट पहन लिया था। तो यही कुछ हम लोगों का, ये देखिए उसके बाद हम ये जो खुली ओपन झांकी है इधर आ गए थे, तो 2-3 जगह पे ऐसे एक काली माता का और ऐसे कुछ करके फिर हम आ गए। ये देखिए यहाँ पे है ना काली जी बहुत ही थी, बहुत ही भीड़ थी, फिर हम दूर से थोड़ा सा दर्शन कर ले। ये हमारे साइड में ही है, मतलब घर के पास थोड़ा सा दूर, फिर हमारे जो गांधी मार्केट है वहाँ का भी देख लिया था। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों का ये था, वो जो नवमी का दिन था, और भंडारा बहुत था, बहुत होते ऊपर से मिट्टी भी आ गई थी, वो चली गई थी, उसने दिन भर से थका दिया था, तो उसके बाद फिर मूड ही नहीं हुआ था रात को जाने के लिए। फिर अचानक से इन्होंने बोल दिया कि चलो। तो यहाँ देखिए ये लोग है ना, यहाँ पे हम लोग ने काली जी देख ली, फिर घर आ गए थे। और ऐसा ही कुछ है, फिर दूसरे दिन दशहरा के दिन तो हमको है ना बिल्कुल, हमने जो सोचा नहीं था ना वही हमारे साथ हुआ, समझो माता जी का आशीर्वाद है, मतलब अचानक से जो हुआ ये देख रहे थे। ये हमारे घर की तरफ की झांकी थी, तो सब कुछ ना कुछ कहीं ना गरबा नहीं गए हम, और ये झांकी इतनी अच्छी लगी थी, तो डिंकी ने थोड़ा सा इसमें ना ये कर लिया था, थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। ये घर आने के वक्त बोले कि चलो अपने घर के पास चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो ये है ना आज दशहरे के पावन अवसर पे आज हमारे घर में एक चीज आई है, वो भी टिंकल की वजह से। तो टिंकल ने लाई है, हमारे तो बस की बात नहीं थी, अभी लेंगे थे क्योंकि हमारी टीवी
बंद हो गई थी और ये चिट 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 कर रहे थे, इनको टीवी देखना बहुत, रोज रात को चिट चिट करते थे मोबाइल से। उसको रहा रह गया और उसने शायद अपने दोस्तों से जरिए ये ले आया, हम बाद में इसके पैसे लगाने के बाद दिखाएंगे। तो ये देखिए फिर उसके बाद है ना, मैं बोल रही थी ना बहुत बड़ी खुशखबरी, अचानक से टिंकल गया और लेकर आ गया था। ऐसा कुछ मन में नहीं था, हम खाना खा के बैठ गए थे, हम दशहरा देखने जाने का प्लान बना रहे थे, उतने में ही कब गया और ले आए इनको ले जाके एकदम से ले आए। तो ये फिर उसने ये जो मैकेनिकल है ये हमको टीवी लगा दे रहे, तो अच्छा हुआ हमारे पुराने जो टीवी थी ना पूरी ख़राब हुई थी और ये रोज़ है ना टीवी को मिस कर रहे थे, क्योंकि इनको है ना पहले से ही ये थी जहाँ आपको वॉलमार्ट दिख रही वहाँ पर टीवी दिखती थी, जो भी पहले देख रहे होंगे वहाँ पे, तो उठा के हम लोग ने पिया। तो कैसा लगा गाइस ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मतलब घर में टीवी होना जरूर, क्योंकि जैसे ये है न्यूज़ वगैरह ये तो बहुत बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे मैं है ना चालू उन्होंने लगा दिया, तो मैंने कहा चलो कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ है तो हम लोग है ना पहले पूजा करते हैं उसके बाद ही चालू करते हैं। तो कौन सी भी चीज़ रहो आप भी करते होंगे, ये तो इलेक्ट्रिक है, नहीं तो आप बोलोगे कि इसकी भी पूजा वगैरह, ये नहीं जो भी चीज़ मिले। तो मीठे में क्या लाए थे इन्होंने, शक्कर मतलब मिठाई भी नहीं ले आए, आके लगा के चले गए जो उनकी कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं अभी है ना टीवी चालू करने के पहले पूजा कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सी भी चीज आए छोटी हो या बड़ी हो तो उसकी सबसे पहले पूजा करते हैं। और ये लोग है ना इन लोगों ने गाड़ी को भी धोया ना, हाँ इन लोगों ने है ना ये नहीं लाए क्या बोलते हैं मेन बात मिठाई ऐसे आ गए, तो मैं बोली कि बाद में मिठाई ले आऊंगी, पहले शक्कर से ही पूजा कर लूंगी, क्योंकि वे कौन सी चीज कैसी और इलेक्ट्रिक वाले से ज्यादा। तो चलो अच्छा हो जाए, कौन सी कंपनी के रेट, चलो तो हो गया है।